Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you'd be fine. New syllabus Oxford Primary Mathematics, textbook 5. इसमें आज हमारे पास पेज नंबर 228 के ऊपर चैप्टर नंबर 11 रेट का कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने अर्लियर वीडियोज में इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया था. आज उसी नौयत के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा. इंशाल्लाह ये आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी अच्छी वीडियो होने वाली है. ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं हमसे, द पार्किंग रेट एट अ शॉपिंग मॉल इज शोन बिलो. आपको यहाँ पे बता दिया, एक पार्किंग लॉट के अंदर पार्किंग के कुछ रेट्स हैं. आप अपनी गाड़ी अगर पार्क करना चाहते हैं तो आपको पहले घंटे के, यानी अगर आपकी गाड़ी एक घंटे से ज्यादा के लिए पार्क हो रही है, तो पहले घंटे में हम चार्ज करेंगे $1.20. ठीक है, 20 का मतलब है $1.20. और उसके बाद हर आधे घंटे या आधे घंटे से कम के लिए हम आपके जो है वो पार्किंग चार्जेस जो चार्ज करेंगे वो $0.60 हैं. ठीक है, यानी हर आधे घंटे के ऊपर आपके चार्जेस $0.60 होंगे, और चाहे आधे घंटे से कम का भी टाइम होगा तब भी आपको $0.60 ही देने पड़ेंगे. अब सवाल असल में ये है, तो आपको रेट्स बता दिए यहाँ पर इन्होंने. सवाल ये है कि हाउ मच मस्ट मिस्टर लिम पे. अब मिस्टर लिम को कितना पे करना पड़ेगा टू पार्क हिज कार एट द मॉल फॉर वन होल 1/4 आवर्स. अगर वो एक घंटा और 1/4 आवर, यानी एक घंटा और आधे घंटे से भी कम, यानी 15 मिनट्स के लिए, 1/4 कहते हैं एक क्वार्टर को, और एक क्वार्टर में कितने मिनट्स होते हैं, 15 मिनट्स, क्योंकि एक घंटे में चार क्वार्टर्स होते हैं और हर क्वार्टर 15 मिनट्स का होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले घंटे के तो स्ट्रेट उनको $1.20 देने हैं. यहाँ पर आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास मिक्स नंबर होता है तो उसमें जो होल नंबर होता है वो हमें बता रहा होता है कि ये पूरी एक होल की बात हो रही है. उसके अलावा जो फ्रैक्शन होता है हमारा वो पार्ट होता है. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर हमें क्या बताया था कि एक घंटे के हमारे जो चार्जेस हैं वो $1.20 हैं, तो एक घंटे के इन्होंने बता दिया कि $1.20 चार्ज होंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट 1/4 आवर है उससे हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने कहा था चाहे आधा घंटा हो और चाहे आधे घंटे से कम हो, यानी अगर एक मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक आपने अपनी गाड़ी पार्क रखी, यानी एक घंटा एक मिनट या एक घंटा दो मिनट या एक घंटा 10 मिनट या 20 मिनट और या आधा घंटा पूरा, यानी 30 मिनट्स अगर आपने अपनी गाड़ी पार्क रखी, हर सूरत में आपको $0.60 देने पड़ेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर के लिए भी आपको $0.60 ही पूरे देने पड़ेंगे. तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर क्या बनेगा, पहले घंटे का $1.20 और नेक्स्ट 15 मिनट्स का $0.60. तो टोटल हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा इन दोनों का जो सम होगा दैट इज $1.80. ठीक है, $1.80 मिस्टर लिम को पे करने ही पड़ेंगे. अब हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं पेज 229 के ऊपर. ये भी रेट से ही रिलेटेड हैं और इसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 90 कार्स पर डे. ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर हर रोज 90 कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं. हाउ मेनी कार्स डज इट मैन्युफैक्चर इन 7 डेज. तो बेसिकली यहां पर आपको रेट बता दिया, यानी एक दिन में 90 गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो कितनी गाड़ियां 7 डेज में मैन्युफैक्चर होंगी. एक दिन का अगर पता चल गया तो 7 डेज का क्या होगा बच्चों, वेरी सिंपल, 7 × 90. एक दिन में 90 हैं, 2 दिन में 2 × 90, 3 दिन में 3 × 90, तो 7 डेज में 7 × 90 कार्स. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स में हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि हमने यहाँ पर पहले रेट बताया कि 90 कार्स एक दिन में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और हमारे पास 90 कार्स हैं, सॉरी हमारे पास 7 डेज हैं, तो उसके लिए हमारे पास कितनी कार्स मैन्युफैक्चर होंगी. हमने कहा 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 630 कार्स. तो आप क्या कहेंगे, हाउ मेनी कार्स डस इट मैन्युफैक्चर इन 7 डेज, तो आप कहेंगे इट कैन मैन्युफैक्चर या इट विल मैन्युफैक्चर 630 कार्स इन 7 डेज. सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच सेज वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ टैप
एट अ रेट ऑफ 20 ml पर सेकेंड। अगेन इन्होंने आपको रेट बता दिया कि एक सेकेंड में एक टैप में से 20 ml पानी रिसता है यानी बाहर निकलता है, यानी कि अगर आप नलका खोलते हैं तो उसमें से एक सेकेंड में 20 ml पानी बाहर आता है। 120 ml ऑफ वाटर वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द टैप। एक्चुअली टोटल पानी कितना कलेक्ट किया गया उस टैप में से 180 ml। एक सेकेंड में 20 ml आता है और इन्होंने 180 ml पानी कलेक्ट कर लिया, यानी ये हमें सेकेंड बताने को तैयार नहीं है बल्कि कह रहे हैं हाउ मेनी सेकेंड्स हैड द वाटर बीन फ्लोइंग। इन्होंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, वहां पर इन्होंने हमें रेट बताकर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक दिन में 90 गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो 7 दिन में कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी, यानी दिन की बात दोनों जगह पर कॉमन थी और हमसे इन्होंने कार्स का सवाल किया था। ठीक है, फर्क यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स इन्होंने कहा एक सेकेंड में 20 ml पानी आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक सेकंड के बाद हमें बताने के बाद हमसे कहते कि भाई 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 100 सेकंड में या 3 मिनट में, 4 मिनट में या घंटे में कितना पानी आ रहा है, तो हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल होता। हमसे जितने इन्होंने सेकंड्स बताए होते हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। रेट के अंदर यही होता है कि अगर एक चीज की आपको प्राइस बताई गई है या एक चीज की कुछ क्वांटिटी आपको बताई गई है तो अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो वहां पर आप सिंपली क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि इतने सेकंड में कितना जो है वो पानी बाहर आएगा, फ्लो करेगा, बल्कि आप ये बता दीजिए कि अगर एक सेकंड में 20 ml पानी आ रहा है तो कितने सेकंड में 180 ml पानी बाहर आएगा। अब यहां पर हम ये नहीं कर सकते कि हम 20 को मल्टीप्लाई करें किसी चीज से, बल्कि अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो थोड़ी सी क्लोज हो, अब अगर जैसे मैं यहां पर देखूं 2 और 180 दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें एक सेकंड में 20 ml पानी फ्लो कर रहा है तो हम थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जुगाड़ लगाएंगे। कैसे, एक सेकंड में आपने माइंड में वर्किंग करनी है और बहुत जल्दी जल्दी करनी है, और ये कैसे जल्दी जल्दी हो पाएगा, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने कहा कि भाई एक सेकंड में 20 ml पानी फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है 2 सेकंड में इसका डबल करेगा। ठीक है, हमने डबल कर दिया, 1 को डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, 2 सेकंड में 40 हो जाएगा, 3 सेकंड में 20 का ट्रिपल हो जाएगा यानी कि मजीद 20 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड में 60 हो रहा है, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 100 ml हो गया। देखा हम काफी क्लोज पहुंच गए 180 के, हमने कहा थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ठीक है, 5 सेकंड्स में 100 ml हो गया, 6 में 120, 7 सेकंड्स में 140 और 8 सेकंड्स में 160 और 9 सेकंड्स में हमारे पास 180 ml आ रहा है। ठीक है, हमने कहा भाई इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखें हम सारी वर्किंग जो कर सकते हैं, जो चीज़ें गिवन होती हैं उसी से कर सकते हैं और वर्किंग हमें करनी है इन दोनों के बीच में ही, तो हमने कहा कि भाई हमारा आंसर तो 9 सेकंड आएगा लेकिन हम अपनी वर्किंग्स को कैसे शो करें। तो ऐसे में आपने देखना है कि भाई 9 का आंसर इन दोनों के रिलेशन में किस तरह से आ सकता है, वो तभी आ सकता है जब आप 180 को डिवाइड कर दें 20 से, क्योंकि 0 0 कट हो जाएगा और 2 9 18 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों कैसे आती हैं, दिमाग लगाने से, और दिमाग हम कब लगा पाते हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे, कोशिश करो बच्चों कि जिस चीज की क्वांटिटी आपको इनिशियल और फाइनल दोनों चीजों में बताई गई है, यानी रेट में भी बताई गई है, जैसे वाटर कितना फ्लो कर रहा है वो रेट में भी मेंशन है और जो रिक्वायर्ड यानी जो क्वेश्चन है उसमें भी वाटर कितना फ्लो कर रहा है वो हमारे पास गिवन है, तो उसका जो इनिशियल अमाउंट है वो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पर और वहां से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आपने कहा 20 ml वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड,
तो इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड करेंगे 1 से ले जाकर। ये वाली जो भी क्वांटिटी है यहां पर आपके पास इनिशियली, वो दूसरी क्वांटिटी से आप जाकर सेकंड स्टेप में डिवाइड करेंगे। कैसे, इसको 1 बना दीजिए और ये जो 20 है वो मूव कर जाएगा यहां पर इस वाली क्वांटिटी के जो है वो उसमें डिनोमिनेटर में। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है चीज आपके पास वो आपने यहां पर लिखी, ठीक है, यानी 1 ml वाटर, 180 ml वाटर फ्लो कर रहा है कितने सेकंड में, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उस चीज से जो यहां पर आपने डिवाइड की है, यानी 1/20 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 3 स्टेप्स अगर आपने सही कर लिए तो आपका ये जो आंसर है कभी भी गलत नहीं होगा। ये यहां पर सिंप्लीफाई किया हमने, 0 0 से कट हो गया, 2 1s are 2, 2 9s are 18, आंसर आ गया हमारा 90 seconds। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कितना पानी फ्लो करेगा, हाउ मेनी सेकेंड्स हैड द वॉटर बिन फ्लोइंग, तो आप यहां पर कहेंगे द वॉटर हैड बिन फ्लोइंग फॉर 90 seconds, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन का आंसर वर्बली सोचा था वही हमारा आंसर एक्चुअल में भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहे हैं बेकरी बेक्स 1000 loaves ऑफ ब्रेड इन 5 hours, ठीक है। अब आपको यहां पर रेट बताया है, 5 घंटे में 1000 loaves ऑफ ब्रेड जो है वो बेक हो रही हैं एट दिस रेट। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, पहले 1 घंटे का जो है वो निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा आपके पास पर आवर यानी 1 घंटे की जो चीज है ना वो पता चल जाएगी आपको। यहां पर इन्होंने 5 घंटे का बताया है, हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 1 आवर पर लेकर आएंगे। फिर इन्होंने हमसे कहा एट दिस रेट हाउ मेनी लोव्स ऑफ ब्रेड कैन इट बेक पर आवर, तो इन्होंने हमसे रेट ही तो पूछा है, यानी 1 घंटे में कितनी ब्रेड्स जो है वो बेक होंगी ये हमने सिंपली बता देना है। अब क्योंकि इन्होंने 1000 loaves ऑफ ब्रेड बताकर हमसे पूछी है कितनी loaves ऑफ ब्रेड आपको जो है वो बेक हो सकती हैं 1 घंटे के अंदर, तो यहां पर घंटों की बात की जाए तो इनिशियली 5 घंटे हैं, फाइनली 1 घंटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर इन टर्म्स ऑफ आवर्स हमारे पास दोनों चीजें गिवन हैं, ठीक है, लेकिन अगर loaves ऑफ ब्रेड की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारे पास 1000 loaves ऑफ ब्रेड यानी इनिशियल अमाउंट हमारे पास गिवन है, मगर रेट में हमारे पास कितनी loaves ऑफ ब्रेड आएंगी वो हमें नहीं पता। तो जो चीज हमें दोनों जगह पता होती है हम उसको वहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले हम कहेंगे इन 5 आवर्स 1000 loaves ऑफ ब्रेड आर बेक्ड, ठीक है। हमने क्यों आर्स को पहले लिख दिया, हालांकि इन्होंने हमसे loaves ऑफ ब्रेड की बात पहले की थी, क्योंकि हमने कहा कि भाई इनिशियली 5 घंटों की बात हुई थी, फाइनली हमसे 1 घंटे की बात बताई जा रही है और loaves ऑफ ब्रेड के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम घंटों को पहले लेकर आ गए। हमने कहा 5 घंटे में 1000 ब्रेड बेक हो रही हैं, तो 1 घंटे में 1000/5 यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इतनी loaves ऑफ ब्रेड बेक होंगी, और जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 200 loaves ऑफ ब्रेड आर बेक्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में 200 होंगी, 2 घंटे में 400, 3 घंटे में 600 और 5 घंटों में 1000, इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपसे यहां पर सवाल में पूछ लिया जाता कि अगर 5 घंटों में 1000 loaves ऑफ ब्रेड बेक हो रही हैं तो 10 घंटों में कितनी होंगी, तब भी आप सेम क्वेश्चन को इसी तरह से करते और नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पर कर देते इन 10 आवर्स, तो ये जो 200 आया आपके पास आंसर, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि जो चीज आपको गिवन है वो आपने डिवाइड करनी है, जो चीज पूछी जाती है वो आपने मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहां 1 आवर की बात की गई थी तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 से जिस चीज को भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द टेबल शोज द पार्किंग रेट एट अ मल्टी स्टोरी कार पार्क। यहां पर आपके पास कार पार्किंग का दोबारा से आ गया कि 6 बजे से लेकर शाम के 5:59 तक अगर आपने अपनी गाड़ी पार्क की तो 1 घंटे के 1.28 डॉलर्स होंगे और पार्ट देयर ऑफ, और अगर 1 घंटे से कम टाइम है तब भी आपके पास 1.28 डॉलर्स ही आपके चार्ज होंगे, लेकिन 6 PM से यानी शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 5:59 तक आपके 2.25 डॉलर्स पर एंट्री, हर एंट्री पर आपकी गाड़ी के जो है वो चार्ज किए जाएंगे। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू पार्क फ्रॉम 4 PM, अब आपको ये बीच का टाइम देंगे, आधा यहां से लेना होगा आधा यहां से, 4 बजे अगर शाम के 4 बजे से लेकर यानी इस टाइम स्लॉट से स्टार्ट हो रही है बात,
6:30 PM तक, यानी इस वाली स्लॉट के अंदर आधा घंटा इसमें भी आ रहा है क्योंकि 6 PM है ना ये, और यहाँ पर कह रहे हैं 6:30 PM तक आप कितने जो है वो चार्जेस होंगे आपने एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, क्योंकि हमारे पास जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो 4 PM से 6:30 PM का है, जिसमें दो स्लॉट्स हैं, एक 4 PM से लेकर 5:59 तक की और उसके बाद 6 PM से लेकर 6:30 तक के लिए, ठीक है। तो अभी जो 4 PM से 5:59 तक है इसके अंदर इन्होंने हमसे कहा पहले घंटे के आपके चार्ज होंगे $1.28, ठीक है, और उसके बाद जितने घंटे होंगे उन सब का पार्ट जो है उसका आपके, चाहे वो एक घंटे से कम ही हो, आपके चार्ज होंगे 59 मिनट्स, चाहे हो चाहे उससे कम हो, उसके भी $1.28 होंगे, यानी एक घंटा हो या एक घंटे से कम का टाइम हो आपके चार्ज $1.28 होंगे। तो हमने कहा भाई एक घंटा हमने जो है वो इस्तेमाल किया है और 59 मिनट्स के लिए हमने कार पार्क की है, तो ये दो हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, पहले घंटे के लिए भी $1.28 और 59 मिनट्स के लिए भी $1.28, ठीक है, यानी $1.28 हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टाइम है वो 6 PM से लेकर 6:30 PM तक का, तो उसमें इन्होंने कहा कि $2.25 लगते हैं पर एंट्री, यानी एक दफा आप एंटर हो गए तो आपको सिर्फ $2.25 ही देने हैं। तो हम तो रहे ही सिर्फ 30 मिनट्स के लिए थे, हमने कहा भाई 30 मिनट्स के बनते हैं $2.25, उसके बाद हम तीनों को ऐड करेंगे, जब तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया $4.81। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो $4.81 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। स्टिल कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।